नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मंजू कंबोज इस वक्त जो एलनाबाद विधानसभा के गांव गुड़ियाखेड़ा में पहुंचे हैं, यहां पर जनता का मूड जानेंगे। आज की जनता क्या चाहती है और कितना नेताओं का यहां इस गांव में रुझान है, किस पार्टी की क्या स्थिति चल रही है, गांव के लोगों से जानते हैं। क्या लगता है इस बार राजनीति में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए या जैसे चल रहा है अभय सिंह चौटाला का राज ऐसे चलना चाहिए? ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता है, ये कोई आज की बात नहीं है। तो क्या कहना क्या चाहेंगे चौटाला के बारे में या चौटाला परिवार के बारे में, अभय सिंह चौटाला के बारे में? उसके लिए क्या कहूँ, कहने के लिए इतना क्या बताऊँ, बहुत है कहने की बात। तो मुझे बहुत लंबा इतिहास याद है, तो देवीलाल का, उसके बाद चौटाला साहब का, उसके बाद अभय सिंह जी का। अभय सिंह जी की बात कर लेते हैं, मैदान में उतरे हुए हैं और पीछे से 3-4 बार लगातार यहां से जीते भी हैं, तो अब की बार क्या लगता है? बिल्कुल 100% जीत है। जीत है हाँ। और कंपटीशन में कौन लग रहा है? कंपटीशन में कांग्रेस का और इसका थोड़ा सा कंपटीशन में, लेकिन ज्यादा कंपटीशन की बात नहीं है। असलियत यह है कि हमारा जो एरिया है, हमारा गाँव है, ये कृषि का काम है और किसानों के लिए तो देवीलाल ने, चौटाला साहब ने और अभय सिंह ने बहुत कोशिश त्याग किया है और इसी बात के लिए सारा हल्का है इन्हीं के पीछे। राजनीति बारे में कहते बदलाव जरूरी है जी, आपके बार बदलाव। अभय सिंह चौटाला कम 10-12 हज़ार वोटों से जीतेगा यहाँ पे। कौन जीतेगा? अभय सिंह चौटाला। तो वो तो पहले भी जीत रहे हैं। तो हमारा काम है जी, हाँ हमें भी ना चार बदलाव नहीं, बीजेपी का बदलाव चाहिए हमें। अच्छा, हाँ, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार का, हाँ 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 हाँ, उसका बदलाव चाहिए हमें जी, भी इनेलो आनी चाहिए। वाई नोट। तो ऐसी क्या वजह है जो पीछे लगातार आप इनेलो से जुड़े हुए हैं और अब की बार भी जो इनेलो की मांग कर रहे हैं? देखो ये हमारा काम है, दिन सुख सुख दुख में आधी रात तैयार रहे। और यहाँ कॉम्पिटिशन में कौन लग रहा है? यहाँ में भरत सिंह लग रहे हैं, कांग्रेस पूरी टक्कर है, पूरी टक्कर है। ठीक है जी, चौटाला साहब जी, चौटाला साहब जीतेंगे जी। यहाँ अगर मैं गुड़ियाखेड़ा गांव की बात करूँ तो पूरे गांव का यही माहौल है? नहीं जी, यही माहौल है, जीत के निकलेगा यहाँ से। अच्छा, अभी पूरा गांव एक तरफ। हाँ ठीक है जी। केला गया तीन पीढ़ी जुड़ा मैं तो केला गया, जो कोई इनोला जुड़ा तो जब ला लू ले गया तो एक से जुड़ेड़ा है। हाँ बूढ़ी अंदर आवेंगे सेलिब्रेट करेड़ी है, जब तो देवीलाल घरे बैठ गए नहीं तो क्या सीधार की सेलिब्रेट करी है और बादल कार दी, वो टाइम भी हमें देखा हुआ है, एमरजेंसी भी हमने देखी है और अब भी देखा है। जितना हमारे एरिया में विकास कराया वो चौटाला साहब ने, देवीलाल ने करवाया है और उस विकास के आधार पर ही हमारे यहाँ पानी होता ही नहीं था, इधर से चलते आगे जाते मत छा तो पीने वाला पानी नहीं था, जहाँ सेम हो रही है। सारा विकास जो कराया हुआ है वो इन्हीं का करवाया हुआ है। बदलाव क्या नहीं हुआ, तो कांग्रेस हार जाएगी, वो हार जीतती हो बदलाव की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, मैं कौन माना टक्कर है बेटा, यह है कि मारे चौटाला साहब वह तो ही काम करें, बाकी नहीं करते। मोदी है ठीक है, प्रधानमंत्री अच्छो है, पर कोई खाड़ है वो किसान के लिए कोई काम करे, कोई खाड़ है डोड़ है वो होता ही नहीं है, पानी है ही नहीं। और भरत सिंह भी खड़े हुए हैं, इनको कोई उम्मीद को नहीं के भी होंगे? नहीं वो की करे वो सही आई बात है बेटा, सरकार को बदलाव तो चाण तक कहीं को नहीं है, टाइम लगेगा क्या नहीं लगेगा? सही बात है, लगेगा बेटा। हाँ अभय सिंह जीतते हैं तो ठीक है, इतना आसान तो नहीं रहेगा। हाँ यही बात है। नमस्कार, क्या लगता है इस बार एलनाबाद की राजनीति? एलनाबाद में चौधरी अभय सिंह जी जीत रहे हैं, हाँ भारी मतों से। कहीं मुकाबला भी मान रहे हैं किसी के साथ? नहीं कोई मुकाबला नहीं है, 15-20 हज़ार से जीतेंगे। मुकाबला किन के साथ होगा, एक अनपढ़ सामने खड़ा है बरसी मनीवार, वो ये भी नहीं जानता कि बोलना क्या होता है। झोटे की फोटो रखता आपने देखा है, सुना है, कहता है मैंने इस झोटे का दूध पिया, झोटा दूध देता है कभी? क्या जानता अनपढ़ विधानसभा में जाए क्या करेगा? आपने विधानसभा में देखा है चौधरी अभय सिंह बोलते हैं तो एक पास 89 एक पास ये है 90 में, सारी विधानसभा हिल जाती है, कोई सामने जवाब देने वाला नहीं मिलता।
सारा सबूत के साथ आता है विधानसभा। हाँ, तो एक और जहां अभय सिंह चौटाला ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार मैं सिर्फ एलनाबाद में ही नहीं पूरे हरियाणा में जो अपना एक प्रभुत्व जो स्थापित करने जा रहा हूँ, मैं जो मुख्यमंत्री बनूंगा, इस बारे में। सिरसा की 4 सीटें जीत रहे हैं, हिसार में 2 सीटें जीत रहे हैं और नौ मेवात की सीटें जीत रहे हैं, पिरथला की सीटें जीत रहे हैं, असंध की जीत रहे हैं, 21 सीट लगभग हम आज की टाइम में जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री तो यही बनेगा, कांग्रेस की 30-32 आनी है, 30-32 इनकी बीजेपी की आनी है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखो ये अभय सिंह ना किसी के पास जाके नहीं बैठता, इनके पास आएंगे चल के। हाँ, इतना विश्वास सत्य है उसमें। ठीक ठीक है ठीक, मैं तो 5-4 बार जिता दी, अब कल और जिता देगा। अभय सिंह ने हाँ पूरी सपोर्ट, टक्कर में कोई मानो के कोनी कोई कौन सारे के लिए कौन दाव है कोई कौन है। नमस्कार जी, सरजा नाली भाई कौन है? ही अच्छा, कांग्रेस का जो सरजा भाई कौन है? बिन बेरू है। काल जी आपने रैली देखी होगी कागदाना के अंदर, सैलजा का बकवास कर रहे थे कि सैलजा आएगी सैलजा आएगी, सैलजा नहीं आई तो इनकी तो हवा निकल गई जी। अभय सिंह की टक्कर में भी नहीं है भर सिंह, कम से कम 25-30 हज़ार वोटों की लीड फिलहाल मौके की है और आने वाले 3 दिनों के अंदर बहुत अच्छी लीड कर जाएगी जी। ये अभय सिंह एक बहुत बढ़िया नेता है जी, अच्छे काम कर रहे हैं। भर सिंह को आप जानते ही हैं कि उनकी सुनते ही हैं आप, गाना कौन सा गाते हैं स्टेज के ऊपर, गाना गाते हैं छतरी के नीचे आ जा, ये कोई तरीका नहीं है जी बात करने का। और झोटे के वोट रखता है ये विधानसभा में जाए क्या कर देंगे जी। अभय सिंह एक निर्दलीय आदमी है जी, निडर आदमी है, अच्छा काम करे हमारे गाँव के अंदर, चौधरी देवलाल ने किए थे, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने, अब ये कर रहे हैं जी काम, अच्छा काम हो रहा है और हल्के के अंदर भी अच्छा काम हो रहा है जी। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनेगी जी की बार जी। इस बार अभय सिंह जी बिल्कुल माहौल एक तरफ है माहौल है जी, गुड़िया खेड़ा में तो जी हमेशा से जीतता है और आगे भी जीतता रहेगा और अभी भी जीतेगा, फुल माहौल है, फुल सपोर्ट है गाँव में एक तरफ अभय सिंह की तरफ है। हाँ जी, माने तो सच मांगो पक्को ठेठ को ही है, ठेठ ता ही रह गो अर इब का इशो माहौल बना रखी है, पक्को ही बनावांगा, पक्को ही है मारो तो एकदम। हाँ कारण कारण आगा बहुत जोर का है मार तो मारा तो लड़कियां स्कूल कर दी। हाँ हाँ बरगा खटी होया को नहीं रोवे को नहीं, मारा गांव में पानी आंग वाइड है, पहल सी नांग बनेड़ी है, जो कुछ मारा गांव में काम चालियो नहीं वो आंग यांग चालियो है, मार तो कणक को कोई पानी को सुहाज ही को नहीं हो, मैं तो फिरती डबकती रहती हूँ अरे ये मारा पानी रुल तो फिर है अरे खेता में पोवारा 25 कर रखे ताऊ तो मारे करिए तो बोलो कि वो को नहीं रोए को नहीं अरे ताऊ ही करे कोई भी अरे। हाँ बनना चाहिए पक्को एकदम मुख्यमंत्री बिल्लू। हाँ बेटा मैं तो यहाँ का मर्च उठा लेने बनावागे रंगा में तो सारो फायदो मर्च उठा ले करेडो है बिल्लू को खरीद है मार तो है और भी नहीं तवा में तो बानी ध्यान ठेठ कर बानी दिन तारांगा नाक फुरा को नहीं में तो मैं उम्मीद घनी करा सारो मारो काम है बिल्लू ही करे, जे कोई टावर लगावे को तो और जे कोई काम घरे करे को तो और कोई सड़क को करे को तो और घरे फायदो मार तो आंगो ही खरीदो है मैं तो आने। हाँ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहिए, टक्कर में मार को नहीं मान तो आंग ही टक्कर अब सा आंग नहीं जितावांगा। हाँ बिल्लू बिल्लू काम करे हमारा जमींदार आंगा हरण अस्थी पो दियो हमारी बदली 12 महीना बिचाड़े अरे किसानों का सागा मार सागा ये दिल्ली का माय नहीं जतन मनू जी जानू लागे रे माने महिला ताई ले गयो एम ए गई ऐसे बैठी अन बूझ लियो। हाँ दिल्ली गई मैं गणाई संतरा खा गई। अच्छा, तो बिल्लू का पानी तो के चाहोगा। हाँ बिल्लू मुख्यमंत्री बनी गयो बनना के चाहिए बस बनी गयो मारे पोपरे 25 है तुझे मान जी सुरसती बोले बुड किया हूँ। हाँ बिल्लू मारे चुटाले पर का काम क्यों कोई और नागा 2 दिन नाच के जानता रहे टक्कर में कौन मानना मार लेगी है एक तरफ ही है मैं गम फिर गया यूं सगड़े। हाँ कांता का सागर
हाँ कांता सागर फिर के आई हूँ, देख के आई हूँ गमा गा माहौल। अब ना अर तो कहीं कौन नाथुरी में रट जाके देखे नहीं, फ्री हूँ फ्री झंडा अपने एक ही झंडो को बस वही मारे बिल्लू ही है ठेठ को ही आई रुचि है मारे तो। हाँ बिल्लू मार तो बडेरा देनता और मैं देनता है यहाँ ले रहे यार, मारो तो बिल्लू ही है, बिल्लू पास है मारो कोई कौन नहीं एर नवाज अलग है, बिल्लू ही जीते को बिल्लू नहीं जीता वांगा मैं तो। हाँ आके दियो जी महाराज बस वोट बिल्लू गई है। हाँ बिल्लू गई है। तो क्या माहौल चल रहा है? बिल्लू हुआ सारो अभी अभी एक तरफ मानो सौ मुँह सत्तर है एक तरफ मानो। अच्छा हाँ। और तीस किसके पास जाएंगे? क्या जी तीस कांग्रेस के बीजेपी तीस तो फिर दो पार्टियाँ। तो बताइए क्या लगता है इस गांव में क्या माहौल? अच्छा है जी माहौल, जीत के निकले वो 70% वोट है जी अभय सिंह का। हाँ बाकी 30% बीजेपी का और कांग्रेस का जो ज्यादा माहौल इस गांव में। हाँ अभय सिंह चौटाला का और कहीं ना कहीं टक्कर में कांग्रेस लगी खटी खटी को छिदे काम में भले ही नहीं सोर नहीं कौन है। हाँ इस तरफ इतना रुझान नहीं है कांग्रेस का कोई रुझान नहीं है। भाई मैं तो मैंने सुना सुना कोई नहीं, मैं कौन वोट जानू और नहीं बूझ मैं कौन जानू की हाँ वोट देने पे तो माने हाँ जी मारे काम है तो चुटालो जीते जी चुटालो जीते 100% जीते 100% हाँ हाँ एक तरफ हुई है। मैं तो 100% ही बताऊँ सत्तर परसेंट ही बात खातर बताओ है अभी 30% वोट है बीजेपी का और कांग्रेस का 70% बिल्लू का है 30% बीजेपी का और कांग्रेस का वोट है। अच्छा, एक लगा 70 है बिल्लू का बांगा दोनों 30 है बीजेपी का और कांग्रेस का 30% वोट है मरगम में। हाँ जी वजह है जी के लोग चाहे को नहीं एक बात बताऊं थन मैं विधानसभा में बोलने को तजर्बो विधायकन हुआ है जागे कोई किसान का बारे में कोई और बोले है जब तो वो विधायकन ही हुआ अपने कन तो है को नहीं। मारे तो बिल्लू है जो को विधानसभा में जाके स्पीकर ने बंद करा सके भाई तू चुप रह फालतू बोलने की जरूरत को नहीं किसानों के बारे में बोलूँ किसानों को हूँ तो यही बात खातर ले रहा बाई इलेक्शन में इस्तीफा दियो किसानों खातर और कोई इस्तीफा देना रोको नहीं ना तो बिंगो बत्ती जो दुष्यंत है ना कोई और कोई मेमोरी कौन दे हाँ मारे तो जचड़ो यार पक्कू है। एलनाबाद हल्के कमाई हो आवागो अभय सिंह चुटालो आवागो। बिल्लू ही जीता वो मारे तो कोई टक्कर में कोनी काम बहुत करेड़ा है नालो मैं नहीं है रे तीन खामांदड़ी बडेरांगी वो ही जीता वो 1% मेरे बाउन तो है कोनी 1% लोग ये ऊपर दिखाई गई फिर है वोटिंग आई है। गाँव को माहौल तो एक तरफ है जी अभय सिंह आज हूँ नहीं जी 40 साल वो रिकॉर्ड है गुड़िया खेड़ा। अच्छा। राजधानी है गुड़िया खेड़ा तो फिर थोड़ा सा ये और बता दो कि पिछली बार कितने को वोटों से जीते थे? 8,680 वोटों अभय सिंह आग लागेड़ी में जीते और जब कांडेवर का हटा करोड़ों रुपया बांट गया प्रधानमंत्री मोदी आयो थन बेरो भी मलेका अब भी उड्डे रोड शो करियो रोड शो का मैं जीता बंदा है नहीं बेटा मैं गुड़िया बड़े सपर दिखाऊंगा आज चौटाला साहब आवे चंदी मिनट।